नमस्कार, थोड़े समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। धनुषा धाम के वन में भीषण आग लगी भेल मुख्य प्रसंग से। धनुषा धाम स्थित रहल संरक्षित वन में भीषण आग लगी भेल। आग भयावक रूप में फैलल जानकारी देल गेल। धनुषा धाम नगर पालिका, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका आ गणेश मान चारनाथ नगर पालिका के वायु नियंत्रण आग मिझाव लेल प्रयास कर रहल। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आ नेपाली सेना समेत आग मिझाव प्रयास में जुटल। सरलाही में मंदिर में तोड़फोड़ केने आरोप में प्रहरी एक गोटे युवक के नियंत्रण में लेने है। नियंत्रण में मलंगवा नगर पालिका 8 के 33 वर्षक राकेश बैठा के लेल गेल। सरलाही प्रहरी उपरीक्षक SP दयानिधि गेवाली जानकारी देने से SP गेवाली के अनुसार मलंगवा नगर पालिका 8 स्थित राजदेवी मंदिर आ मलंगवा नगर पालिका 9 स्थित झिलमिलिया माई मंदिर भीतर रहल मूर्ति तोड़फोड़ केने आरोप में बैठा के नियंत्रण में लेल गेल। मंगल दिन सांझ बैठा मंदिर में तोड़फोड़ के ने प्रहरी जानकारी दिलक। बैठा के धर्म संबंधी कसूर में सरलाही जिला अदालत से 5 दिन मैप थप के अनुसंधान शुरू कैल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी देने मुलुकी अपराध संहिता 2074 के परिवेक्ष्य 9 के धर्म संबंधी कसूर में धार्मिक स्थल व पवित्र मानल गेल स्थल के क्षति पहुँचाव जेहन धर्म संबंधी कसूर में अधिकतम 5 वर्ष कैद आ 50,000 रुपया धरि जरिमाना होब व्यवस्था रहल। कुवैत में एकटा कार के टक्कर से 3 गोटे नेपाली के मृत्यु भेल। मंगल दिन मार्च 12 तारीख के दिन कुवैत के महाबुल्ला क्षेत्र के सी साइड सड़क में तीव्र गति में आयल कार टक्कर दिला से एकटा कंपनी में कार्यरत 3 गोटे नेपाली के घटनास्थल में निधन भेल। दुर्घटना में लेती पंचदेवल विनायक 5 अछाम के सूरत बहादुर कठायत नागार्जुन 2 काठमांडू सुजन कार्की आ बेंगा डावर 3 धनुषा के धीरज गुरमछान मगर के मृत्यु भेल। नेपाल पत्रकार महासंघ कुवैत शाखा के अध्यक्ष राजन मल्ल जानकारी देने से 3 गोटे कुवैत के पाप जोन कंपनी में काज केने छलन। स्थानीय नागरिक गाड़ी चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने से कुवैत स्थित नेपाली दूतावास मृतक के परिवार आ हिनका सब काज केने कंपनी सन संपर्क क के नेपाल हिनकर सबके लाश पठाव तैयारी भ रहल जानकारी देलक। नकली सोन धितो राख कर नेपाल बैंक के 4.25 करोड़ ठगी केने सप्तरी के टोकनाथ शाह के प्रहरी नियंत्रण में लेने आए। नेपाल बैंक लिमिटेड से 4.14 करोड़ कर्जा लक भागल कंचन रूप गाँवपालिका 8 के 41 वर्षक शाह के उच्च अदालत 3 वर्ष के करीब 1 करोड़ बीगो भराव फैसला सुनौने। काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रहरी उपरीक्षक नकुल पोखरेल के अनुसार जिनका काठमांडू के हयात होटल से नियंत्रण में लेल गेल शाह विभिन्न व्यक्ति के अमेरिका पठा देव कहकर 1 करोड़ रुपया समेत ठगी केने खुलासा भेल। धरान से भोजपुर के दक्षिण घोरेटार जा रहल दीप दुर्घटना में मृत्यु भेल सबके संख्या बढ़कर 7 पहुँचल। जिला प्रहरी कार्यालय भोजपुर के अनुसार दुर्घटना में पड़कर 1 गोटे बच्चा 3 गोटे पुरुष आ 3 गोटे महिला के मृत्यु भेल। को एक ज 2593 नंबर के जीप दोपहर 1:30 बजे दिस उदयपुर के बिल्का नगर पालिका 7 बाखापुआ में दुर्घटना भेल। सर दुर्घटना में पड़कर घायल रहल 7 गोटे के अखन धरान में रहल बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में इलाज भ रहल प्रहरी जानकारी देने। जीप में 14 गोटे सवार छल। चढ़ाई बाट पर क्षमता से अधिक यात्रु रहना से दुर्घटना भेल हैत प्रहरी के प्रारंभिक अनुमान समेत रहल। जिला प्रहरी कार्यालय भोजपुर के सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक दल कुमार राय चालक मान बहादुर बस्नेत बाहेक अन्य मृतक के परिचय खोज नहीं सकल जिक्र के लेल जीप बाढ़ से करीब नीचा खसल प्रहरी जानकारी देलक। उपेंद्र यादव के असली मालिक ई अछि कहकर तस्वीर प्रष्ट भ रहल धनुषा लगायत विभिन्न जिला में पोस्टर टसले उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव के चरित्र हत्या के ने आरोप में प्रहरी 2 गोटे के नियंत्रण में लेने आए। धनुषा प्रहरी के अनुसार
पूर्वे रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रमुख मित्र बंधु शर्मा के अनुसार फागुन 26 गते रात में नुका छुपा कर ई पोस्टर टासल गेल बाद ई पोस्टर टसने व्यक्ति के खोजी कैल गेल सल। इनका सबके बुध दिन रात नियंत्रण में लेल गेल हिनकर सब हिंदू धर्म के अभियंता रहल सैन। तो इस गोटे के संबंध में थप छानबीन भ रहल प्रहरी जानकारी देनी आज। धनुषा के लादो बेला से नियंत्रण में रहल झा आ पूर्वे राष्ट्रीय एकता अभियान के कार्यकर्ता समेत रहल प्रहरी स्रोत द्वारा जानकारी देल गेल। अहि क्रम में अखन किछ व्यक्ति सेहो संलग्न देखल गेल। इनकर सबके खोजी कार्य भ रहल प्रहरी जानकारी देनी रही। धनुषा के लादो बेला से नियंत्रण में रहल झा आ पूर्वे राष्ट्रीय एकता अभियान के कार्यकर्ता समेत रहल प्रहरी जानकारी देलक। संख्या निजामति सेवा के गठन संचालन आ सेवा के शर्त समझने व्यवस्था कर बनल विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश कैल गेल। बृहस्पति दिन बैसल बैसार में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री भानुभक्त जोशी ई विधेयक पेश कने सैन। इससे पहले नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवान विधेयक पर रखने विरोध के सूचना अस्वीकृत समेत कैल गेल। संघीय निजामति सेवा संचालन के लिए कर्मचारी के सेवा शर्त आ सुविधा संबंधी कानून के संघीयता अनुरूप संचालन कर आवश्यक रहल कहित सरकार ई विधेयक अन्याय देश के प्रशासनिक प्रणाली के व्यवस्थित कार्यात्मक नतीजा मुखी बनाव विधेयक आनल गेल। मंत्री जोशी जिक्र कलन 72 साल में संविधान जारी भेरू पर संघीयता स्वरूप कर्मचारी व्यवस्थापन कर नहीं सकल अवस्था में अखन के विधेयक महत्वपूर्ण हैत। हिंकर कहब सल ओ विधेयक के संदर्भ में आयल सुझाव सबके सकारात्मक रूप में लेब धारण से हो रखल पर्ने बेला होला किनभने अहिलेको संरचना हेर्दाखेरि हाम्रो सामान्यतया साधारण खर्च धेरै बढेर गएको देखिन्छ, विकास खर्च घटेर गएको देखिन्छ। तर यसलाई हामीले अहिलेको यो सबै संरचना हेर्दाखेरि हामीले अलि ठुला ठुला संरचना बनाएका छौँ। मान्य नै हेर्ने हो भने 884 जना त हामी मान्य छौँ। त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै यो संघीय निजामती विधेयक अहिले धेरै समयपछि आएको छ। हामीले 72 सालमा संविधान जारी गऱ्यौँ, अहिले धेरै कारणले गर्दाखेरि अहिले संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा जसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन यो विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भएको हुनाले मैले मान्य प्रेम सुवाललाई आफूले राखेका सुझावहरूलाई सुझावको रूपमा पछि संशोधनमा पेस गर्ने गरे। अहिले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिएर यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने कुरामा उहाँले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। विधेयक में निजामती कर्मचारी के श्रेणीगत तहगत प्रणाली में लजाए प्रस्ताव कैल गेल। साथे आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजना लगायत व्यवस्था प्रस्ताव कैल गेल। विधेयक के व्यवस्था अनुसार निजामती कर्मचारी 60 वर्ष उमेर पूरा भेलाक बाद अनिवार्य अवकाश भेटत। संगे विद्यमान निजामती ऐन में कर्मचारी के उमेर हद 58 वर्ष रहल। निवृत्ति भरण पाव व्यवस्था अवस्था आ उमेर के हद 55 वर्ष पूरा भेल निजामती कर्मचारी स्वैच्छिक आवास से लेब सकै छन्। अहिना स्वैच्छिक अवकाश लेने कर्मचारी के 60 वर्ष उमेर नै नाघ जेहन बेसी में 5 वर्ष धरि सेवा अवधि थप कर निवृत्ति भरण के लिए जमा सेवा अवधि कायम हो विधेयक में उल्लेख कैल गेल। नेपाली कांग्रेस उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री में राष्ट्रपा के सभापति रवि लामिछाने के नियुक्ति के विषय में सरकार सब जवाब मांग कलक। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में कांग्रेस के सांसद सब अपन स्थान से उठल बाद सभामुख देवराज घिमरे सांसद बद्री प्रसाद पांडे के बाजन लेल समय देने छलन। सांसद पांडे अनुसंधान में जुड़ल व्यक्ति सरकार में पहुँचल बाद असंतुष्टि व्यक्त कलथ। ओ ई विषय में निष्पक्ष छानबीन नहीं हैत आशंका से व्यक्त कने छन। अना ओ सरकार से बाहर रहल में अपना सबके कोनो दुख नहीं है कहब सल। ब्याज फिर्ता नपाउने हो भने जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन बाध्य भएको उहाँहरू बताइरहनु भएको छ। यस विषम पृष्ठभूमिमा अनुसन्धानको कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने निकायको कमान्डर गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनुले एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ। सहकारीको आदर्श विपरीत गर्न नहुने संस्थामा लगानी दिन नहुने शीर्षकमा कर्जा, शेयर सदस्य नभएका व्यक्ति
पाउनै नपर्ने व्यक्तिले पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ? कतै तपाईँको पोजिसनलाई रक्षा कवच बनाएर 1-2 करोडको मात्र अभियोग तपाईँ लागेका तपाईँलाई शिखण्डीको भूमिकामा अगाडि सारेर 10 अर्बको ठगी गर्ने ठुला माछाहरू उम्काउने प्रपञ्चको जानी नजानी तपाईँ हतियार त बनिरहनु भएको छैन? सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मेरा मित्र मान्य रवि लामिछानेज्यूलाई यति सुझाव दिनु मेरो मित्र कर्तव्य नै ठान्दछु। सभामुख घिमिरे सदन उठल विषयमा अपन ध्यान आकर्षण भेल आ सरकार सेहो एहिपर ध्यान देत एहिप्रति विश्वास व्यक्त कयलथि। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमन लाल मोदी सत्ता समीकरण परिवर्तन भेटमे राष्ट्रिय मुद्दाके ओझेलमे नै राख स्पष्ट कयने छथि। प्रतिनिधि सभाके बृहस्पति दिनके बैसारके विशेष समयमे बाजल मोदी सत्ता समीकरण फेरलो पर जनता आ राष्ट्रके मुख्य मुद्दाके प्रगतिशील रूपमे सम्बोधन कर सबके दायित्व रहर जिक्र कयलनि। ओ शान्ति प्रक्रियाके निर्णयमे सर्वोच्च अदालत देव तोकनी आदेश देल गेल कहैत संक्रमण कालीन न्याय सम्बन्धी कानूनके जल्दी निर्णयमे लजाई आग्रह कयलनि। अहिना एमाले सांसद ठाकुर प्रसाद गौड़ देश में देखा पड़ो समस्या सबके सुशासन आ समृद्धि के माध्यम से आशा आ भरोसा में रूपांतरण कर जिक्र कयलन। जिम्मेवार राजनीतिक दल के बीच में नया सहकार्य भेला से पुनः गठित सरकार देश के यावत समस्या समाधान क समाजवादोन्मुख अवस्था विकास कर सफल हैत हिंकर कहब सल। संगे कांग्रेस के सांसद रामकृष्ण यादव यह सरकारी ठगी आ सुन तस्करी के घटना में जोड़ सत्ता गठबंधन निकट के व्यक्ति सबके बचाव प्रपंच भेल आरोप से हो लगल। एगो सत्ता समीकरण परिवर्तन भेद संगे देश के सुशासन आ समृद्धि के यात्रा सहज रूप में अगाड़ी बढ़ पर धारणा रखले। हिजोको देश में ठूल एटा बलिदान ठूल एटा क्रांति हमी यहांसम आया छज यह संसद को निर्माण संसद को निर्माण एटा बलिदान आयोग संसद को एटा प्रक्रिया हो। यो यात्रा में सब राजनीतिक दल को कुछ न कुछ भूमिका छ। तर एउटा भर्खर हिजो अस्ति सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको तपाईँ हामीलाई थाहा छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू चाहिँ जो एउटा अदालतले कि 1 महिनाभित्र तपाईँले आयोग गठन गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ आयोग गठन गरेर 1 महिनाभित्रमा कानुन निर्माण गर्नु पर्यो भनेर अदालतले तपाईँलाई निर्देश दिएको छ, अदालतले आदेश दिएको छ भन्दा आज यो संसद सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हिजोदेखि त्यो गन्ती सुरु भयो 1 महिनाको, आज 1 महिनाको समयमा अब 29 दिन बाँकी छ भन्दा टिआरसीसँग सम्बन्धित बिल या कानुन निर्माणमा आज सांसदहरूको भूमिका, यो कोही सांसदहरू अछुतो छैन। यो प्रक्रियामा हिजोसम्म क्रान्तिमा सबैको कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, अविकास र देशमा व्याप्त रहेको निराशा, अविश्वास र भरोसालाई फेरि आशा, विश्वास र भरोसामा बदल्ने अठोटका साथ हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। मार परेको छ त्यो समस्या सामान्य सभामुख महोदय माताबाट म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज विभिन्न किसिमको कुराहरू पेपर पत्रिकामा आइरहेको छ, अहिले भर्खर हामीले सुनेका छौँ कि वास्तवमा सहकारी ठगीमा र सुन प्रकरणमा पनि पूर्व उपराष्ट्र अहिना सांसद अमर बहादुर थापा नयाँ सरकार बनल अनुभूति जनताके समेत देव परत जिक्र कयलन। जनमत पार्टीके सांसद अब्दुल खान मन्त्री परिषदमे एकोटा दलित समुदाय नै रहल कहैत एनाक समानुपातिक समावेशिताके सिद्धान्त लागू हो भन्दै सकत टिप्पणी कयलथि। देशभर तापक्रम बढ़ लागल अछि, तराईके किछु ठामे गर्मी सँ जनजीवन प्रभावित होब सक जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देलक अछि। आब पानि पर्वो कयल तऽ सब दिस तापक्रम बढ़ल मौसम विधिके कहब रहल अछि। एहि बीच पश्चिमी न्यूनतापीय प्रणाली अस्थायी वायुके प्रभावसँ आइ किछु ठामे बदली सङ्गे वर्षा हल्का पानि पर सम्भावना रहल मौसमविद जानकारी देलक अछि। महाशाखा के अनुसार अखन भिनसर, कर्णाली आ सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देश के पहाड़ी विभाग में आंशिक बदली रहल छल। आइ गंडकी, कर्णाली आ सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भेके 1-2 ठामे छिटफुट से हल्का पानि पड़े संभावना रहल
जानकारी देल गेल अछि। उच्च पहाड़ी तथा हिमालय भेग के एक दो ठाम में हल्का हिमपात के समेत संभावना रहल अछि। महाशाखा के अनुसार आई लुम्बिनी प्रदेश के किस ठाम में हवा बिहार के समेत संभावना देखल गेल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में बृहस्पति दिन सोन के दाम बढ़ल अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार आई सोना के दाम तोला के 800 रुपया से बढ़ल अछि। महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन छापावार सोना प्रति तोला 1,25,800 आ तेजाबी सोन 1,25,200 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बुध दिन छापावार सोना प्रति तोला 1,25,000 आ तेजाबी सोन 1,24,400 में कारोबार भेल छल। त अहिना चांदी के दाम आय बढ़ल अछि। आय चांदी तोला के 50 रुपया से बढ़ कर तोला के 1,515 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना बुध दिन चांदी तोला के 1,365 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस्ट ऑफ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लोक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रहें टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।